हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम पाठक डायरीज। तो अभी आपको बस मैं रात का डिनर बताने वाली हूँ, क्योंकि दिन भर बहुत काम था भाई। और आज डिनर में मुझे ऑर्डर आया है इन लोगों का कि मम्मी प्लीज आप राजमा बना दीजिए, और राजमा के साथ मैं बनाने वाली हूँ चावल। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि राजमा की डिश कैसे बनने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। राजमा के लिए मैंने एक पाव राजमा लाया था और सुबह उसे अच्छे से धो के ये भिगा दी हूँ। ये देखिए मेरे राजमा कितने अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैं इसे फिर से अच्छे से वॉश कर लूंगी। वॉश करने के बाद फिर डालती हूँ अपने कुकर में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने राजमा धो लिया है और राजमा मेरे अच्छे से भीग चुके हैं। उसकी ये निशानी है कि देखिए छिलका भी हट जा रहा है, निकल रहा है छिलका इजिली। अब मैं इसे उबालूंगी। 4 सीटी कंपलसरी राजमा देना, क्योंकि राजमा पकने में टाइम लगता है। तो आप 4 सीटी इसे दीजिए। अब मैं डाल रही हूँ अपने कुकर में, ये सारा राजमा। अब हम ऐड करेंगे, और पानी आप ज्यादा डालें क्योंकि राजमा पकने में टाइम लगता है। तो पानी में डाली हूँ 5 कप्स, और इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने से क्या है, राजमा के अंदर तक चले जाता है नमक, और राजमा जल्दी से पकता भी है, उबलता भी है। तो अब बंद करते हैं कुकर और लगाते हैं 5 सीटी। अब चलिए करते हैं इसके मसाले की तैयारी। तो फ्रेंड्स, राजमा के मसाले के लिए हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, 3 बड़े टमाटर, 3 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इसे चॉप कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई रख दीजिए और गैस ऑन कर दीजिए। अब मैं डाल रही हूँ तेल। तेल राजमा में भरपूर डालिए, क्योंकि राजमा बन रहा है भाई। तेल हो जाएगा गर्म। तो फ्रेंड्स, तेल मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। अब मैं डालूंगी तेज पत्ता। इसमें डालूंगी मैं हींग, क्योंकि राजमा है, राजमा हेवी होता है, तो हींग जरूर डाले उसमें। अब मैंने 2 प्याज चॉप करके रख लिया है, तो वही मैं डाल रही हूं। तो फ्रेंड्स, प्याज को अच्छा लाल होने तक सॉटे करिए, खूब लाल हो जाए उसके बाद। तो फ्रेंड्स, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने चॉप कर लिया है। अब हमें करना है ग्राइंड, तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और हमें फाइनली चॉप करना है, एकदम पेस्ट, गाढ़ा पेस्ट बनाना है इसका। पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, टमाटर में खुद इतना पानी है, ये पेस्ट बन जाएगा आराम से। बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज हमारे परफेक्ट हो गए अच्छे से लाल। अब ये पेस्ट जो हमने पीसा था वो सारा इसमें डाल देंगे। अब इसे आराम से अच्छे से चलाइए, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए आपका मसाला, इसे 5-5 मिनट में चलाते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे अपने सूखे मसाले। ये देखिए, टमाटर एकदम अच्छे से गल चुके हैं। इस मोमेंट में डालना है हमें 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये घर का कूटा हुआ मेरा, आप मेरे चेक कर सकते हो वीडियो। तो ये है धनिया 1.5 चम्मच। अब इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा नमक डालें क्योंकि राजमा में भी पहले नमक है। इसे अब अच्छे से चला लीजिए और 2 मिनट मसालों को अच्छे से पकने दीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा मसाला एकदम पक चुका है। बस अब इसी, ये देखिए तेल पूरे साइड्स में आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हम चेक करते हैं अपना राजमा।
तो राजमा मेरे गल चुके हैं परफेक्ट। अब ये मसाला हम डालेंगे अपने राजमा में। ये देखिए मसाला मैंने ऐड कर लिया अपने राजमा को। अब इसे हम देंगे एक और सीटी ताकि मसाला और राजमा सब कुछ दोनों अच्छे से मिल जाए, जो भी मसाला इसके अंदर है राजमा में एनहांस हो जाए। और इस समय में आप अपनी वाटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, अपने परिवार के हिसाब से गाढ़ा होना है पतला होना है उस हिसाब से आप अभी पानी ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब इसे कवर करके एक प्रेशर लगाइए और इसे जब एक प्रेशर एक सीटी होने के बाद ठंडा होने पर ही खोलिए, जबरदस्ती इसे ना खोले। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा राजमा मसाला कैसे बन के रेडी हो गया है। बस इस मोमेंट में अब हमें ऐड करना है गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, आप मेरी लिंक चेक कर सकते हो। और इसे अब बॉईल नहीं करना है, बस गैस बंद कर दीजिए। और गार्निश कर देंगे हम धनिया पत्ती कोरिएंडर लीव से। और फिर आप देखिए इसे बनाइए और खाइए और खिलाइए, और मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम जीरा राइस बनाते हैं। उसके लिए चावल मैंने नॉर्मल चावल लिया है, आप बासमती चावल भी ले सकते हो। और आधा घंटे तक इसे धो के मैंने भिगा लिया। और हमें चाहिए जीरा, और अगर आप चाहिए तो घी भी डाल सकते हो। ये देखिए मेरे घर का घी है या फिर तेल। चलिए शुरू करते हैं जीरा राइस बनाना। एक भगोना रख लीजिए और हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी गरम होने दीजिए। अब हम डालेंगे जीरा। जीरा भरपूर डालिए, और आप चाहे तो मसाला और ऐड कर सकते हो, दालचीनी शाहजीरा तेजपत्ता, मगर मैं सिर्फ जीरा राइस में जीरा ही डालूंगी। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए, खूब अच्छा बढ़िया कलर आए तब तक इसे फ्राई होने दीजिए। बस अब इस मोमेंट में हम ऐड करते हैं अपना राइस। अब हम ऐड करते हैं अपना राइस। इसे अच्छे से चला लीजिए। तो फ्रेंड्स चावल को अच्छे से भून लीजिए जीरा में। चावल और जीरा और घी तीनों अच्छे से मिल जाए, थोड़ा अच्छा फ्राई कर लीजिए। अब इस मोमेंट में हम ऐड करते हैं पानी। आप अपने राइस के हिसाब से पानी ऐड करिए। वाटर देख लीजिए अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ध्यान रखें कि राजमा में भी नमक है। अब इसे चला लीजिए और इसे अब हम ढक देते हैं चावल बनने तक, इसे होने दीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा राजमा मसाला और जीरा राइस रेडी है। आप लोग भी मेरी वीडियो देखिए, इसे बनाइए और खाइए। और प्लीज अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और मेरे जो न्यू व्यूअर्स है वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाए ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय। #नीलम पाठक डायरीज़।